परिषदीय शिक्षकों की हाजिरी के लिए 5 सितंबर से लागू होने जा रहे प्रेरणा ऐप का विरोध शुरू हो गया है। प्राथमिक शिक्षक परीक्षित स्नातक एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी तथा ब्लॉक के अध्यक्ष और मंत्रियों की संयुक्त बैठक हुई। पदाधिकारियों ने प्रेरणा ऐप को लागू करने संबंधी शासन के निर्णय पर रोष जताया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों विशेषकर शिक्षिकाओं तथा छात्राओं ने प्रतिदिन 3 बार उनकी इच्छा के विरुद्ध सेल्फी की मांग से निजता का हनन होगा। बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए शिक्षिकाओं ने शिक्षकों के लिए ये ऐप सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं बताया। सरकार का ये फैसला बेबुनियादी है और हर रोज 3 बार फोटो खींचना बिल्कुल भी जायज नहीं। शिक्षक नेताओं ने इस ऐप का विरोध के लिए ज्ञापन भी बीएसए कार्यालय को दे दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री बने सतीश त्रिवेदी से भी इस फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इस फैसले को सरकार वापस ले। कुछ दिन पहले योगी सरकार ने प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के लिए फरमान सुनाया था, जिसमें शिक्षकों को हर दिन अलग अलग समय में 3 बार बच्चों के साथ फोटो खींचने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अब शिक्षक इस फरमान का जमकर विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों का उनका प्रेरणा ऐप के बारे में विचार लिया गया और समस्त लोगों ने इस पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराई। बहुत बड़ी आपत्ति इस पर यह है कि किसी की भी फोटोग्राफ जो प्रतिदिन 3 बार सेल्फी ली जानी है, वो उनके विशेष करके शिक्षकों विशेषकर शिक्षिकाओं के निजता का जो हनन हो रहा है, जिसको कि हमारा संविधान भी आर्टिकल 21 के माध्यम से संरक्षित करता है, उसका खुला उल्लंघन है। और दूसरा पॉइंट ये इसमें निकल के आया कि जब ये ऐप का निर्माता स्वयं घोषित कर रहा है कि हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए डाटा को 100% सुरक्षा की हम गारंटी नहीं दे सकते, तो इससे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हमारे शिक्षक बहुत बैंकिंग के रूप में और तमाम उनके दिए गए डाटा का तमाम तरीके से मिसयूज हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी खामी इसमें नजर आ रही है। सैयद आकिब रजा फोन लाइन पर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, जानना चाहेंगे आपसे शिक्षकों और शिक्षिकाओं का जो विरोध है सरकार के फैसले के खिलाफ, अब ये क्या रुख ले रहा है? देखिए, प्रेरणा ऐप का जमकर विरोध हो रहा है और प्रयागराज से इसकी मांग जो है वो उठ गई है। और ये यहाँ के जो शिक्षक नेता हैं उनका कहना ये है कि निजता के हनन का ये पूरा मामला है और ऐसे में सरकार का ये तुगलकी फरमान है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक मीटिंग भी यहाँ गठित की गई है, शिक्षक संघ के जितने भी नेता थे यहाँ शिक्षक थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कई ऐसे जो चीज सरकार की तरफ से आ रही है वो बेबुनियाद है। और ऐसे में जो शिक्षिकाओं को जो फोटो नहीं खींच सकते हैं, जिनके धर्म में फोटो खींचना को गलत माना गया है, तो ऐसी शिक्षिका अगर फोटो खींचेंगी तो आप ये गलत होगा। तो ऐसे में तमाम ऐसे बिंदुओं को लेकर के ये विरोध कर रहे हैं और इनका विरोध के लिए कह रहे हैं कि नए बेसिक शिक्षा मंत्री जो बने हैं और उनसे अब उनकी आस भी लग चुकी है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 5 तारीख को जो ये ऐप है ये लॉन्च होता है कि नहीं होता है, लेकिन उससे पहले ये प्रदर्शन भी करने की बात कह रहे हैं। जी,